छोले जो है बॉईल करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक हो? रोटी निकालो पानी में से। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। और यहाँ पे हम सुबह लंच बॉक्स की तैयारी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम छोले जो है बॉईल करेंगे। तो इसमें हमने चाय पत्ती की पोटली जो है बांध के डाल दी है, और साथ में पानी डाल दिया है, जितना मतलब छोला था उसके ऊपर तक थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसको ऐसे ही बॉईल होने देंगे। 3 से 4 सीटी लगाएंगे धीमी आंच पे। और हमारा जो छोला है बॉईल हो चुका है, और उसको रख दिया है छान के। उसका पानी हमने नहीं फेंका है, क्योंकि ये बाद में छोले में ही डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोला बॉईल हो चुका है, बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। हम इसकी ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे प्याज और अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिए हैं। ये थोड़ा ही थोड़ा लिया है, क्योंकि छोला भी हम थोड़ा ही से बनाएंगे, तो इसीलिए जितना ज़्यादा छोला होगा उसी हिसाब से मसाला रखेंगे। तो इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। इसके साथ हम रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए आटा भी लगा के रख देंगे। अब हमने यहाँ पे गैस पे रख दी है कढ़ाई, और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। और एक तरफ हमारी चाय बन रही है, तो आज हम कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाएंगे। और इसमें डालेंगे तेज़पत्ता डालेंगे, और खड़े मसाले में डालेंगे। इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, साथ में इसमें 2 लौंगे डाल दिए हैं। अब इसमें हींग डाल देंगे। तो एक तरफ हमारे चीकू महाराज जी हैं, वो चिल्लाए चले जा रहे हैं, उनको भी कुछ खाने के लिए देना है। तो यहाँ पे हमने जो है प्याज है, प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो क्यों बचाया जाए, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तेल में। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमने मसाले में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच करीबन डालेंगे, लौंग पाउडर 1/2 चम्मच, छोला मसाला डालेंगे इसमें 2 चम्मच करीबन, और साथ में डालेंगे दालचीनी पाउडर बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, उसमें बस हल्की सी स्मेल आ जाए। और नमक स्वादानुसार डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कुटी हुई लाल मिर्च हमने नहीं डाली है इसमें, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, लौंग में भी मिर्ची होती है, और दालचीनी में भी हल्का सा तीखापन होता है। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च जो होती है कुटी हुई वो नहीं डाली है। अब इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल आराम से धीमी आंच पे। हमारा जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, तेल छोड़ने लगे, तब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 टमाटर की प्यूरी बनाई है, अब इसको डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से पका लेंगे, जब तक तेल नहीं छोड़ देता है तब तक इसको भी लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा, मसाले हमारे तैयार हो जाएंगे, तब इसमें हम छोले डाल देंगे। तो यहाँ पर चीकू बहुत देर से चिल्लाए चले जा रहे थे, तो उसको भी खाने के लिए हम देने जा रहे हैं चने और छोले देने जा रहे हैं। तो बॉयल किया हुआ छोला देंगे और चना देंगे, साथ में बीन्स देंगे, इनको अच्छे से मिक्स करके और दोनों लोगों को दे देंगे, चीकू और मिंटू को। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुंज गया है। अब इसमें छोले डालने के बाद में इसको थोड़ी देर चलाएंगे, और चलाने के बाद इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें जो चाय पत्ती वाला पानी था ना, जो छोले उबाले थे, वो भी पानी डाल देंगे, साथ में और भी पानी लेंगे, तो एक गिलास करीबन और पानी लेंगे, और इसको चलाएंगे। चलाने के बाद में इसको कवर कर देंगे, तो जब तक ये पानी अच्छे से बॉईल होगा उसके बाद हमारे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ हमने चावल बनाया है, तो जीरा राइस बनाया है। तो यहाँ पे कुकर में लेंगे तेल, लेंगे साथ में जीरा और लौंग लेंगे, और वो डालेंगे, उसको अच्छे से चलाएंगे और डाल देंगे चावल। तो चावल को हमने 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, और फिर अब इसमें डाल देंगे ये चावल। चावल को थोड़ी देर घी में अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे 1/2 गिलास करीबन पानी, और पानी डालने के बाद में ढक्कन लगा देंगे, और हमारा जीरा राइस भी बनके तैयार है। तो अब हमारे जो छोले हैं वो भी बन गए हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे छोले तैयार हो गए, अब इनको थोड़ा सा चलाएंगे, और फिर बाद में जो छोले हैं ना इनको हल्का सा मैश कर देंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना अच्छे से थिकनेस आ जाए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगे। इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे जो छोले हैं बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया
और हरा धनिया डालने के बाद में हमारा छोला जो है रेडी हो चुका है। तो चलिए अब रोटी सेक लेते हैं, चावल भी बन चुका है, रोटी सेक लेते हैं और हम लंच बॉक्स तैयार करते हैं। तो देखिए ये छोले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा पतले नहीं बनाए हैं क्योंकि ऑफिस के लिए बनाए हैं और विवान भी स्कूल ले जाएगा तो इसीलिए ग्रेवी वाले बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं, तो इसमें सब में छोले लगाएंगे और जो जीरा राइस बनाया था वो लगाएंगे और विवान के भी लंच बॉक्स में चावल और रोटी रखेंगे और थोड़ा सा छोला भी रखेंगे, उसको भी बहुत पसंद है इसी वजह से ये छोला और चावल उसके में रख देंगे, मिक्स करके ही रख देंगे और एक साइड में छोले भी रख देंगे और रोटी रख देंगे। तो यहाँ पे हमने उसके विवान के भी लंच बॉक्स में छोले, हाथ में उसके रोटी रख देंगे घी लगा के और उसके छोटे छोटे पीस रख देंगे ताकि वो आराम से खा सके। तो यहाँ पे हमारा लंच बॉक्स लग के तैयार है। तो आज का लंच बॉक्स आइडिया आपको कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रेडी हो चुके हैं यहाँ पे लंच बॉक्स, सबको एक एक करके दे देते हैं और विवान को भी रेडी कर देते हैं, उसको नहला देंगे और बस उसको तैयार कर देंगे। तो एक तरफ विवान को भी हमने नहला दिया था और नहलाने के बाद में अब वो अपना ड्राइंग बनाने बैठ गया है, तो ये उसकी ड्राइंग बन रही है। गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। हम पानी को कहीं भी ले जा सकते हैं, लो लाइट भी चली गई, यूज ले सकते हैं और बाद में इसको जैसे ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो लो विमान ने बना भी दिया इतनी जल्दी। चलो अब टाइम हो गया, क्या है ये? हॉगी बॉगी। तो चलो टाइम भी हो गया। हाँ हॉगी बॉगी। गुस्सा दिखा रहे हो, निकालो जल्दी रोटी। ये कैसे कर लेते हो? देखो इसकी डांट पड़ रही है तो कैसे कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या है? जल्दी रोटी निकालो, पानी में डाल दिए। कैसे मासूम बन जाते हैं। और मेरा चीकू बेटा प्यारे प्यारे हैं, चीकू तो प्यारे प्यारे हैं, चीकू को मारेंगे नहीं, चीकू तो प्यारे प्यारे हैं। हाँ और ले कहाँ हुआ चीकू को, कहाँ हुआ, ले ले चीकू को अभी डांट रहे थे तो चीकू कैसे कर रहे थे, अब चीकू को प्यारी कर रहे हैं तो चीकू कितनी जल्दी आ गए। क्यों चीकू नीचे गर्दन कर ली थी है, अब प्यारी प्यारी करने चले आए। ओ लिल्ली ओ मेरी गुच्ची, मेरी गुच्ची, मेरी गुच्ची, चीकू मेरी बहुत अच्छी है, चीकू मेरी बहुत अच्छी है, प्यारी प्यारी है। हाँ रोटी खा लेगी, अब देखो गीली हो गई रोटी, अब खा लो, अब गीली हो गई खा लो। सारे काम करने के बाद में विवान को स्कूल से लाने के बाद सो गए थे और सोने के बाद 5 बजे विवान को कराटे के लिए लेकर गए, वहाँ एक्सरसाइज वगैरह हुई। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।